गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, वेलकम इन द न्यू क्लास ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 7, पार्ट 3, हाउ टू यूज़ इरेजर टूल। आज हम जानेंगे कि हम इरेजर टूल का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, यू कैन इरेज योर मिस्टेक्स। आप अपनी गलतियों को कैसे इरेज कर सकते हो इन द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया में यूजिंग इरेजर टूल। जैसे आप कॉपी पे कुछ गलत होता है, सो यू यूज़ द इरेजर टू रब इट आउट। सिमिलरली इन योर ड्राइंग एरिया, यहाँ पर भी आपको एक इरेजर टूल मिलता है क्लास फर्स्ट, जिसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जो गलत ड्राइंग है उसको इरेज कर सकते हो। टू इरेज योर मिस्टेक क्लिक ऑन द इरेजर टूल। जैसे आपको अपनी गलती सुधारनी है, आपको सबसे पहले इरेजर टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। योर माउस पॉइंटर विल टर्न इनटू अ स्क्वायर शेप, और जो आपका माउस का पॉइंटर होगा, माउस पॉइंटर, ये स्क्वायर शेप में टर्न हो जाएगा। ब्रिंग द स्क्वायर शेप टू द ड्राइंग एरिया एंड प्लेस इट ऑन द मिस्टेक। अब अपने स्क्वायर शेप को उस जगह लेकर आइए अपने ड्राइंग एरिया में, जो लाइन आपको सही करनी है। ठीक है, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। अब अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखिए एंड मूव द पॉइंटर ऑन द होल मिस्टेक टू इरेज इट फ्रॉम द ड्राइंग एरिया। अब आप इसको, जैसे आपको यहाँ से आपकी कोई चीज़ गलत हुई है, सो यू पुट योर इरेजर हियर। अब अपने लेफ्ट माउस बटन को आप होल्ड करके इस तरफ की तरफ जैसे आप ड्रैग करेंगे, आपकी ये लाइन जो है वो इरेज होती जाएगी। ओके, मूविंग द माउस पॉइंटर वाइल होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन वी कॉल इट ड्रैगिंग। वही जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि माउस पॉइंटर को प्रॉपर होल्ड डाउन करना लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हुए, इट्स कॉल्ड ड्रैगिंग। नाउ कम्स हाउ टू यूज़ ब्रश टूल। अब हम जानेंगे कि हम ब्रश टूल का यूज़ कैसे करते हैं। हाउ टू पेंट ऑन द कंप्यूटर इन द ड्राइंग एरिया। जस्ट लाइक पेंसिल टूल की तरह ही यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्रश टूल। आप ब्रश टूल का भी यूज़ करते हो टू मेक ड्राइंग्स। ठीक है ना, क्लिक ऑन द ब्रश टूल। आप सबसे पहले ब्रश टूल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट द रेड कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स, यानी पहले आप ब्रश को लोगे, फिर आप कलर बॉक्स में जाइए और वहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट द वाइड ऑफ द ब्रश फ्रॉम साइज बॉक्स। अब आपको जितना चौड़ा या पतला ब्रश चाहिए उसको आप जाकर साइज बॉक्स से सेलेक्ट कर सकते हो। यानी सबसे पहले आप ब्रश टूल ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, फिर आप कलर सेलेक्ट करोगे कलर बॉक्स से, देन गो फॉर द साइज ऑफ द ब्रश। आपको जिस साइज का भी ब्रश चाहिए अपना। नाउ ब्रिंग द पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया। अब अपने पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में ले आइए एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ योर लाइन। और फिर अपने पॉइंटर को ड्रैग, माउस को ड्रैग करिए ताकि आप अपनी एक लाइन को खींच सके। ड्रैग मींस होल्ड द लेफ्ट माउस बटन फ्रॉम वन पॉइंट एंड ड्रैग इट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है ना, दैट इज नोन एज ड्रैगिंग। यू कैन ड्रॉ यूजिंग, अब आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ यूजिंग अदर कलर एंड डिफरेंट वाइट। अब आपको कोई दूसरा शेप सेलेक्ट करना है क्लास फर्स्ट, तो आप वो शेप तुरंत सेलेक्ट करिए। जिस चौड़ाई का, जिस लंबाई का आपको चाहिए, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द शेप टूल्स, हाउ टू यूज शेप टूल्स। अब आप डिफरेंट टाइप के शेप्स में ड्राइंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। यू कैन ड्रॉ शेप्स लाइक, आप किस किस तरीके के शेप्स ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल एक्सेट्रा। आप इस तरीके के शेप्स ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग शेप टूल्स, यानी शेप टूल्स की हेल्प से आप ये सारे शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक टू चूज द शेप यू वॉन्ट टू ड्रॉ फ्रॉम शेप्स ग्रुप। यानी अब आपको शेप बनाना है तो आपको जाहिर सी बात है शेप ग्रुप में जाके शेप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ चूज द शेप कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप। अब आपको जिस भी कलर का शेप चाहिए, सबसे पहले आप शेप ग्रुप्स में जाके शेप को सेलेक्ट करोगे, जो सा शेप आपको पसंद है, देन गो फॉर द कलर ग्रुप। कलर ग्रुप में जाइए और वहाँ से आपको जिस कलर का शेप चाहिए उस कलर का आप जो है कलर सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ ब्रिंग योर साइन पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया। अब आप अपने इसको ड्राइंग एरिया में ले आइए। ठीक है, और होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन ड्रैग टू ड्रॉ द सेलेक्टेड शेप।
अपने लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करते हुए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जैसे ही ड्रैग करोगे आपको जो सा शेप चाहिए वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा. ओके, थैंक यू.